नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। हरी और हैरी, बच्चों ध्यान रखना नाम एक जैसे हैं। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो ज्यादा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतनी ही लाइन का मतलब देख लेते हैं। वर्तमान मतलब आज की आयु, दोनों की आज की आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम लेते हैं, मान लो हरी की वर्तमान आयु और हैरी की वर्तमान आयु दोनों का अनुपात 5:7 है। तो इसका मतलब हरी की आयु मान लेते हैं 5x वर्ष, हैरी की आयु मान लेते हैं 7x वर्ष, ताकि जब इनका अनुपात लेंगे तो 5x/7x, x से x कट गया, तो 5:7 इसका अनुपात आ जाए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए मैंने प्रश्न की एक लाइन पढ़ी, उसमें से जो मुझे समझ आया या जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं बाकी प्रश्न पढ़ता हूँ। अब से 4 वर्ष बाद, तो अब हम क्या करते हैं, पहले 4 वर्ष बाद की उनकी आयु देख लेते हैं कि कितनी होगी। 4 वर्ष बाद हरी की आयु, देखो आज हरी की आयु है 5x, 4 साल बाद यानी इसकी आयु में 4 साल प्लस हो जाएंगे ना। मैं आज मान लो 30 साल का हूं, 4 साल बाद मेरी आयु में 4 साल प्लस होके 34 बन जाएंगे। तो आज उसकी उम्र 5x है, 4 साल बाद यानी उसकी आयु में 4 प्लस हो जाएंगे, जो 5x+4 वर्ष बन जाएगी उसकी आयु। इसी प्रकार से 4 साल बाद हैरी की आयु, तो देखिए आज हैरी की आयु है 7x, 4 साल बाद कितनी होगी, 7x में 4 प्लस हो जाएगा, ये उसकी 4 साल बाद की आयु होगी। तो प्रश्न के अनुसार उनकी जो 4 साल बाद वाली आयु है इसका अनुपात है 3:4। इसका मतलब ये जो आयु का अनुपात होगा 5x+4/7x+4, ये जो आयु का अनुपात है ये 3/4, 3:4 यानी 3/4 होना चाहिए। इसे हमें हल करना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, हम क्या करेंगे, इनको कैसे हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, तो 4 जो है इन दोनों से गुना होगा, 4 × 5x हो जाएगा 4×5 20x, प्लस 4 × 4 हो जाएगा 16 बराबर 3, इधर दोनों से गुना हो जाएगा 3×7x हो गया 21x, 3×7 21x, प्लस 3×4 12। दोबारा देख लो, हमें इनके आयु 4 साल बाद वाली आयु का अनुपात 3:4 दिया था, तो हमने लिखा 5x+4/7x+4 = 3/4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इधर गुना होगा ऊपर, 4 गुना होगा 5x से, 5×4 20x, प्लस 4×4 16 बराबर 3 गुना होगा इन दोनों से, 3×7 21x, प्लस 3×4 12। इसे हल कर लो, x वाली रकम एक तरफ ले जाओ, ये 20x है, 21x यहाँ प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 21x, 12, 16 यहाँ प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 20x निकाला 1x, 7वें साइन बड़ी रकम का माइनस बराबर, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 12 निकाले 4, साइन बड़ी रकम का माइनस। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स का मान कितना आ गया, 4। एक्स का मान कितना आ गया, 4। लेकिन हमें एक्स थोड़ी निकालना है, हमें तो उनकी वर्तमान, उनकी यानी हरी और हैरी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो मैं यहां लिखता हूं हरी की वर्तमान आयु और हैरी की वर्तमान आयु, यही हमें निकालनी है। ध्यान से देखना बच्चों, हरी की, ये रहा हरी, हरी की वर्तमान आयु कितनी है 5x, हैरी की वर्तमान आयु कितनी है 7x। तो हरी की वर्तमान आयु 5x, हैरी की 7x।
अब 5x का मतलब है 5 गुना x, x कितना है 4, तो 5 गुना 4 कितना हो गया, 5 चौके 20 वर्ष। ये आ गई हरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष। हैरी की देखो 7x, 7x का मतलब 7 गुना x, x कितना आया है 4, तो 7 चौके कितना होता है 28 वर्ष। तो इस प्रश्न में हमें हरी और हैरी की वर्तमान आयु निकालनी थी। हरी की वर्तमान आयु है 20 वर्ष, हैरी की वर्तमान आयु है 28 वर्ष। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो दो दोस्त थे हरी और हैरी, उनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात हमें पता था 5:7, हमने उसको 5x और 7x माना। 4 साल बाद दोनों की उम्र में 4 साल प्लस कर दिए, उस उम्र का अनुपात था 3:4, उसे हमने हल किया तो हमें दो एक्स और एक्स पता लगा, तो उससे हरी की आयु और हैरी की आयु पता लग गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।